का श्रीवास्तव जो मुन्ना बजरंगी के रिश्तेदार भी हैं और उनके वकील भी हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल जब उन्हें झांसी से लाया गया क्या परिस्थितियां थी जब झांसी से उन्हें लाया गया? एक्चुअली प्रशासन को गुमराह करके उनको बागपत तक पहुंचाया गया। उनकी तबीयत किसी भी तरीके से ठीक नहीं थी। डॉक्टरों द्वारा बेडरेस के लिए उनको लगातार सलाह दी जा रही है, 24 आवर्स बेडरेस बताया जा रहा है। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा हमारा इलाज चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और दो जो अनस्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको हमारे साथ इंगेज कर दिया कि आपके साथ जा रहे हैं, और उन डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि आखिर ले कहाँ जा रहे हैं इनको। लेकिन जब उनको यहाँ लाया गया, अमूमन जो कोर्ट में पेशियाँ होती थी, बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैसे केस थे, कितने हाई प्रोफाइल केस थे जिनमें उनमें पेशियाँ होती थी? हाई प्रोफाइल एक कृष्णा नंदराय वाला केस है 2005 का, उसमें हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो रही है, और बनारस का भी एक मामला है उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। और ये मामला हाई प्रोफाइल नहीं है, हमारी जान को खतरा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सबसे हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं कि हमारी जान को खतरा है। कई बार ये गुहार लगाई गई, लिखित मौखिक प्रेस के माध्यम से हर तरीके से सबको अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी इस घटना को अंजाम दे दिया गया। ये बताइए कि जो सुनील राठी जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उससे कभी आमना सामना हुआ हो, कोई अदावत हो? सुनील राठी पे जो आरोप लगा रहा है वो प्रशासन लगा रहा है। मैंने ऐसी कोई जानकारी, मुझे भी जेल अधिकारियों के माध्यम से ही मिली। जेल के अंदर असलाह मुहैया कराना डिप्टी जेलर, यहाँ के प्रशासन, इनके द्वारा हो सकता है। इसके अलावा कौन जेल के अंदर असलाह लेके जाएगा? और 4 दिन पहले सुना है कि यहाँ पे एक औचक निरीक्षण भी हुआ था जिसमें एक आलपिन तक बरामद नहीं हुई थी, और आज यहाँ पे इतनी बुलेट्स और असलाह सब बरामद हो रहा है, जेल के अंदर हत्या हो रही है और असलाह अंदर भी बरामद नहीं हुआ है। मुझे आशंका है कि जेल प्रशासन ने शूटर बाहर से बुलाकर इनकी हत्या करा दी और फिर उनको वापस।